सभी नेपाली दाजू बहनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा नेपाली मूवी का रिव्यू करता हूँ, रिएक्शन करता हूँ, तो आज फिर से एक भाई के रिक्वेस्ट पे मैं ये रिएक्शन देने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम है सांगलो और इसके जो हीरो हैं वो है विराज भट्ट और जो हीरोइन है वो है निकिता। तो इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ मैं। और ये विराज भट्ट बहुत बड़े सुपरस्टार हैं नेपाल के और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी। भोजपुरी में ये छा गए थे जब ये आए थे, क्योंकि इन्हें हाइट थी, इनकी बॉडी और मतलब खतरनाक लगते हैं और एक्शन तो फिर लाजवाब है। मार्शल आर्ट किया हुआ इन्होंने। और इस सांगलो इसका टाइटल है मूवी का, जो कि सांगलो का मतलब आई थिंक हिंदी में संगल हुआ, जो संगल होता है ना जंजीर, आई थिंक उसको ही कहते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ, तो मैं हेडफोन लगाता हूँ और रिएक्शन करते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। बड़ा सुबह डिजिटल एंजॉय विद अस। यार जबरदस्त मजा आ गया, एक्शन लेवल था इसका भाई। और जो लगातार 3 बार राउंड किक मारा उन्होंने, धार 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 धार, और फिर जंप लेके ब्लेड किक मारा, अच्छा लगा मुझे। और इनकी ना एक मूवी थी अग्निपथ निखिल उप्रेती के साथ, उसमें जो एक्शन किया था ना बहुत ज़बरदस्त एक्शन किया था इन्होंने। एक ना बार के अंदर फाइट होता है, उसका रिएक्शन करूँगा मैं। और मुझे यार ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा भाई, ये फिल्म मैं देखने वाला हूँ सांगलो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ट्रेलर, मैं देखूँगा इसको। और विराज भट्ट के बारे में बता दूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको कोई एक चांस मिला था, तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया। और इनको इतनी सारी फिल्में आई थी भोजपुरी के, हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में देखते थे कि इनकी पोस्टर लगे, मैं यार ये कौन है यार, ये तो नेपाली हीरो ऐसा लगता है। मैंने ध्यान से नाम पढ़ा विराज भट्ट, मेरे को इतना अच्छा लगा था देख के कि मतलब यहाँ भी अब ये धमाका कर रहे हैं। और इतनी सारी फिल्में आई थी यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ या फिर चंडीगढ़ में, जगह जगह इनकी पोस्टर लगी होती थी भोजपुरी फिल्मों के। जैसे वो आई थी एक दीवाना मूवी आई थी निरहुआ के साथ, और एक वो आई थी इनकी जानवर मूवी, इसमें लंबे लंबे बाल थे इनके। और पर्सनली विराज भट्ट के बारे में बता दूँ, यहाँ पंजाब में एक जगह है जीरकपुर करके, मैं वहाँ रहता था और वहाँ पे एक होटल था, एक रेस्टोरेंट था, उसमें विराज भट्ट ठहरे थे। तो मुझे बताया किसी ने, तो मैं कहा हाँ यार ठीक है मैं मिल के आऊँगा विराज भट्ट से, तो मैं गया। देखिए वो जा चुके थे, लेकिन जो वहाँ पे जो काम करते थे लड़के वो वहीं के थे, बिहार के थे, तो वो जॉब करते थे। उन्होंने फोटो खिंचाया, कहते हैं सर देखो मेरे स्टूडेंट थे, डांस सिखाता था ना उनको, तो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने फोटो दिखाया। मैं कहा शिट यार, मैं थोड़ा जल्दी आता तो मैं मिल लेता विराज भट्ट से। तो यहाँ पे आए थे विराज भट्ट हमारी सिटी में। और ये मूवी मैं देखने वाला हूँ यूट्यूब पे, ये मूवी है, मैंने देखा चेक किया था। और इसका जो ओरिजिनल लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी जितने भी एक्टर हैं उनका नाम भी वहाँ पे डाल दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन भी दबाएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे कौन सी मूवी का ट्रेलर का या मूवी का कोई एक्शन सीन है उनका, सॉन्ग का मत बोलना है, क्योंकि सॉन्ग पे मैं जब भी रिएक्शन देता हूँ कॉपीराइट क्लेम आया तो फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। तो ये वीडियो भी मैंने एक भाई के उस पर रिक्वेस्ट पे मैंने इसका आज रिएक्शन किया। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सांगलो मूवी का ट्रेलर है जो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।